नमस्कार, रेकी डिवाइन हीलिंग फाउंडेशन रायपुर से मैं अतनु लहरी आप सबका स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक है अट्रैक्ट ऑफ मनी, पैसे को, धन को आकर्षित कैसे करें। आज के जीवन में, आज के समय में पैसा बहुत आवश्यक है। साधना के क्षेत्र में भी, हर क्षेत्र में पैसा जरूरी है, इसलिए आज का ये टॉपिक चुना गया है। पैसे के लिए कुछ टिप्स बताऊंगा मैं, जो आपके धन को आकर्षित करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे हमारे यहाँ क्लास होती है श्री विद्या समृद्धि, उसमें भी हम बताते हैं। चलिए आगे इस विषय में विस्तृत चर्चा करने के पहले, अगर आप लोग पहली बार आए हैं हमारे चैनल में, तो ऐसे वीडियो का लाभ लेने के लिए आप सब्सक्राइब करें। चलिए आगे चलते हैं। पैसा कभी भी आप गिने, पैसा जब भी आप गिने तो पैसा कभी भी ऐसा उल्टा ना गिने। पैसा को कभी भी आप गिने तो अंदर तरफ ऐसा गिनिए, इसको अंदर तरफ गिनिए। बात छोटी सी है लेकिन बहुत पते की है। इससे पैसे की जो आवक है वो आपके तरफ बना रहेगा। दूसरा, कभी भी किसी को आप नोट दें तो ऐसा ना दें, ये जो पैसे का जो छोड़ है ये आपके तरफ होना चाहिए। ये छोटी छोटी टिप्स है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। ये दोनों मुंह जो है, पैसे का जो मुंह है ये आपके तरफ होना चाहिए, ऐसा पैसा दे। और मन में संकल्प ले कि ये पैसा जहाँ भी जाए उसको लाभ मिले, भूखे को खाना खिलाए, निर्वस्त्र को वस्त्र मिले, बीमार को पथ्य मिले, औषधि मिले और लाख गुना होकर मेरे पास वापस आए। पैसे को आशीर्वाद दे, ईश्वर का आशीर्वाद है, ऐसा करके आप पैसे को दे। पैसा कभी भी आप किसी चीज का पेमेंट करें, कोई भी बिल का पेमेंट करें, तो कंझाते हुए, झुंझलाते हुए, इरिटेशन के साथ ना करें, खुशी से करें। जितना ज्यादा भी बिल आ जाए तो भी खुशी से करें, क्योंकि जैसे ही आप पैसे को पटकते हैं, इरिटेशन के साथ पैसे को आप देते हैं, तो उस धन से, उसकी जो धन एक ऊर्जा है, धन भी एक एनर्जी है, उसके साथ आपका संबंध कट जाता है। पैसे को आप ऐसा रोल करके अपने जेब में या लॉकर में रख सकते हैं। ऐसा रोल करके आप टेप लगा दीजिए और जेब में या लॉकर में रखिए। इससे भी पैसा और पैसे को आकर्षित करती है। बोलते हैं ना, पैसा पैसे को आकर्षित करती है। कभी भी पैसे की जो सोच है, अपने आप को गरीब महसूस न करें। जो है पर्याप्त है, ईश्वर का धन्यवाद, हर पल ईश्वर का धन्यवाद दे। और जिस मद में भी आपके पैसा आए उस मद में खर्चा करें। अगर मान लीजिए किसी लोन के पटाने के लिए या किसी आवश्यक वस्तु के लिए आपके पास पैसा आया है और सक्षम है, लेकिन उस पैसे को आप होटलिंग में या किसी और मनोरंजन में खर्च कर देते हैं, तो वो जो जिस विषय में पैसा आया था वो पैसा फिर दोबारा आने के लिए बहुत दिक्कत होगी और लोन आपका पेंडिंग हो जाएगा। इसलिए आवश्यक चीज़ों का खर्चा जो है करें। लेखा जोखा जरूर रखें, दैनंदिन लेखा जोखा, आप कितना खर्चा कर रहे हैं, कितना आय व्यय है, आय व्यय का ब्यौरा आपके पास होना चाहिए। अपने पासबुक जो है, खाता जो है, उसको आशीर्वाद दे। जो रेकी चैनल है वो पासबुक को रेकी दे सकते हैं, पासबुक को रेकी दे। और जो रेकी चैनल नहीं है वो ईश्वर को आशीर्वाद दे और पासबुक को भी आशीर्वाद दे। और कभी भी आवक और जावक एक साथ ना रखें। जैसे मान लीजिए आपका चेक,
आपका चेक जावक है, किसी न किसी दूसरे को देने के लिए है, और दूसरे से आपको चेक मिला है वो आवक है। तो आवक और जावक को एक साथ मत रखें। आपका चेक बुक और पाया हुआ चेक दोनों को अलग रखना है। कभी भी अपने लॉकर में देने का हिसाब ना रखें, देने का हिसाब अलग रखें, देने का अपना चेक अलग रखें। पैसे के लिए घर में वास्तु के हिसाब से सबसे उत्तम स्थान नॉर्थ है, उत्तर है, इसलिए उत्तर को साफ सुथरा रखें, उत्तर को कभी भारी ना करें, और हो सके तो उत्तर में जल का पात्र रखें। अगर जल का क्षेत्र नहीं है, नल नहीं है, उधर बोरिंग नहीं है, जलाशय कोई टॉप नहीं है, तो ऐसे ही आप फाउंटेन रख सकते हैं, चित्र भी रख सकते हैं, या जल रखें उत्तर में या उत्तर पूर्व में, नॉर्थ ईस्ट में, ईशान कोण में, उसमें आप रखें, इससे भी आवक बढ़ जाएगी। पैसा का सम्मान जरूर करें लेकिन देना सीखें। पैसा जब आपके पास है तो जैसे चिल्लर छोटे नोट को आप जहीं गए हैं मार्केट में या होटल में गए हैं तो टिप्स अगर दें, आपकी जो सोच है वो सोच पैसे वालों जैसा होना चाहिए। दूसरा, आपकी कभी भी ऐसा मानसिकता नहीं होना चाहिए कि मेरे भाग्य खराब है, मेरे पास तो पैसा आता ही नहीं है, मेरे पास पैसा टिकता नहीं है। इस टाइप की जो सोच या शब्द मन विचार अगर आपके मन में आते हैं तो उसको हटा दें। मेरे पास बहुत पैसे आ रहे हैं, मेरे पास बहुत पैसे आ रहे हैं, मेरी ज़रूरत के सारे पैसे मुझे ईश्वर ने सही समय में उपलब्ध करा देते हैं। इस टाइप के सकारात्मक वाक्य अपने मन में विचार रखें। पैसे के संबंध में मैंने एक वीडियो हमारे और है, उसको देख लीजिए, जो पानी के ऊपर हम प्रोसेस करते हैं उसका जो मंत्र है श्रीम बिजी मंत्र के साथ भी आप उस गिलास में चार्ज करके उसमें लिख के श्रीम बिजी मंत्र के साथ अगर उस पानी को पियेंगे तो भी आपके पैसे की जो कमी है वो दूर होकर पैसे आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा आने लगेगी। तो पैसे का संबंध में हमारे कोर्स होते हैं श्री विद्या समृद्धि, उसमें इसके संबंध में हम विस्तारित बात करते हैं, अष्टलक्ष्मी की बात करते हैं, क्योंकि सिर्फ पैसा ही लक्ष्मी नहीं होता है। धन एक ऊर्जा है, धन आना चाहिए, लेकिन संतान भी एक धन है, सुख भी एक धन है, शांति भी एक धन है। तो आपके पास अष्टलक्ष्मी की वास हो, इसके लिए हमारे शक्तिपात भी होते हैं, ध्यान साधना बताया जाता है, उसमें भी आप सम्मिलित होकर अपना धन की कमी दूर कर सकते हैं। तो पैसे के लिए हमारे पास एक कार्ड भी होता है, लक्ष्मी जी का कार्ड है, उस कार्ड को भी आप रख सकते हैं। अपने जो पार्ट्स है आपके, जो जिसमें आप पैसा रखते हैं या कार्ड रखते हैं, तो उसमें बड़ा नोट छोटा नोट अलग अलग करके रखें, जैसे मैंने अभी बताया रोल करके रखें। और भी बहुत से ढेरों टिप्स हैं, एक दिन में एक सेशन में बताना संभव नहीं है, तो हमारी पूरी दिन की क्लास रहती है, तो उस क्लास में हम सारी इसकी चर्चा करते हैं और शक्तिपात भी करते हैं। तो पैसे के लिए आज इतना ही। आप संपन्न रहे, सुखी रहे, समृद्ध रहे, इस कामना के साथ मैं अतुल लहरी आप सबका धन्यवाद करता हूँ। साथ में निवेदन करता हूँ कि आप जो है सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब करें, पसंद आए तो औरों को भी शेयर करें, परिचितों को शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में इसको करने के बाद आपका जो लाभ हुआ है उसका कमेंट जरूर करें। नमस्कार, शुक्रिया।